और अगली खबर अलवर से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश में भले ही कांग्रेस एकजुट होने का संदेश दे रही हो, लेकिन अलवर जिले में कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान सबके सामने आ गई है। अलवर जिला कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक दीक्षित ने साफ साफ कह दिया है कि पार्टी जितेंद्र सिंह को टिकट नहीं देती है तो अलवर में कांग्रेस कार्यकर्ता चुनावों में पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। दीक्षित ने कहा कि अलवर लोकसभा सीट को यदि कांग्रेस से कोई निकाल सकता है। देखिए, हमारे यहाँ के सबसे लोकप्रिय जो नेता हैं वो आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, और उनके अलावा किसी का भी चुनाव जीत पाना मेरे ख्याल में संभव नहीं है। और जहाँ तक रही बात संगठन की, तो पूर्व जिलाध्यक्ष के नाते मैं आपको ये बताता हूँ कि अलवर जिले में कांग्रेस उनके नेतृत्व में ही मजबूत हुई है, उनके नेतृत्व में ही रहेगी, और अगर उनको टिकट मिलता है तो कांग्रेस जिला कांग्रेस अलवर उनके नेतृत्व में पूरी ताकत लगाकर उनको चुनाव जिताएगी। तो पाली के सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने नगरपालिका के पट्टा वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने नगरपालिका प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि पट्टे वितरण में नगरपालिका प्रशासन ने अच्छा काम किया है। पट्टे वितरण को लेकर के पहले नगरपालिका प्रशासन को राज्य और जिला स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। यो ओम प्रकाश दाधीच ने बताया कि कैबिनेट मंत्री के हाथों से करीबन 125 पट्टे वितरण किए गए हैं। पट्टा वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दी हैं, और इसको लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन करने के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए योजना बनाई गई। इस बैठक में पर्यवेक्षक पूर्व कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा, आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का अंत होने वाला है और यूपीए की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हुए भजनलाल जाटव ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता दमखम से चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र के अंदर चुनाव होता है, एक पार्टी हारती है एक जीत जाती है। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश राजस्थान में मिला और आज उनकी सरकार को तकरीबन 2 महीने के आसपास बने हुए हो गए। आज तक कोई उनका विजन तैयार हुआ नहीं। 100 दिन का जो उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना था, कोई काम हुआ नहीं। पेंशन, वृद्ध पेंशन वगैरह जो और पेंशन है वो रुकी पड़ी है। चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जो इलाज होना था वो नहीं हो पा रहा है। लोगों को बहुत सारे, चाहे वो PWD के काम है वो रुके पड़े हैं, PhD के काम है वो रुके हैं, सारे जो वर्क है एक तरह से पूरे से ठप है। तो निश्चित तौर पर जनता बहुत त्राही त्राही हो रही है। मंत्रियों के PS नहीं है, ऐसे नहीं है, PA नहीं है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि राजस्थान में किसी पार्टी की सरकार बनी है।